हेलो, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीरम जो आपके डेली स्किन केयर रूटीन में आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट है ब्रिलांटे ब्राइटनिंग सीरम। ये सीरम आप यूज़ कर सकते हो डार्क स्पॉट में, पिगमेंटेशन में एंड एक्नी डार्क स्पॉट में। जिसके स्किन के ऊपर मेलाज्मा है या फिर सन टैन है, तो वो स्किन में भी आप ये सीरम सेफली यूज़ कर सकते हो और ये सीरम आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो ये सीरम है वो नॉन ग्रीसी है और वाटर रेजिस्टेंट है। आपको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस और ऑयलीनेस नहीं लगेगा। सेकेंड सीरम है इथिग्लो सीरम। ये सीरम आप ऑल स्किन टाइप में यूज़ कर सकते हो, जिनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट या फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी आप सेफली यूज़ कर सकते हो। ये भी सीरम आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थर्ड सीरम इज़ एजेड सीरम। ये सीरम एक्नी प्रोन स्किन में यूज़ कर सकते हो, जिसमें एजिलिक एसिड है एंड मैंडेलिक एसिड है, जो आपके स्किन के ऊपर सीबम कंट्रोल का काम करेगा। और आपके स्किन अगर ज़्यादा बहुत एक्नी प्रोन है तो उनके लिए ये सीरम सेफ है, तो आप ये सीरम भी लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो। जो हमने फर्स्ट दो सीरम देखे वो सीरम ऑलमोस्ट सेम है, आप वो रेगुलर रूटीन में आपके ऐड कर सकते हो। और ये सीरम इतने सेफ है कि आप होल थ्रॉट योर लाइफ भी आप यूज़ कर सकते हो। सीरम का काम क्या रहता है, जैसे कि सीरम्स है वो हमारे स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं और हमारे स्किन के ऊपर ग्लो देने का काम करते हैं। आज हमने जो डिस्कस किए वो जो सीरम है आप दिन में दो बार यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट के लिए। अगर आपको सीरम रिलेटेड या फिर स्किन रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।